नोएडा में श्रीकांत त्यागी वाली सोसाइटी के लोगों को बुलडोजर एक्शन से राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई पर 20 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। इस तरह से 20 अक्टूबर तक नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर सोसाइटी में नहीं गरजेगा और कोर्ट के इस आदेश के बाद सोसाइटी के लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। बता दें कि गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की महिला से बस सलूकी मामले के बाद ओमेक्स सोसाइटी सुर्खियों में आई थी। वहीं दरअसल नोएडा अथॉरिटी ने शुक्रवार को ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया था। हालांकि अथॉरिटी की इस कार्रवाई के खिलाफ मुकुल गुप्ता समेत 125 फ्लैट ओनर्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को ही अर्जी दाखिल की थी और इस पर रोक लगाने की मांग की थी। इसे अर्जेंट मामला मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ्लैट ओनर्स की अर्जी पर सुनवाई की थी। वहीं जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस जयंत बनर्जी की डिवीजन बेंच में ये सुनवाई हुई। वहीं फ्लैट मालिकों की तरफ से कहा गया कि अथॉरिटी ने दो साल पहले 2020 में उन्हें नोटिस दिया था और इस नोटिस का उन्होंने जवाब दाखिल करके दिया था। इसके बाद अथॉरिटी शांत बैठ गई थी। वहीं अथॉरिटी ने पूर्व में दाखिल किए गए उनके जवाब का कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं अब याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर और अथॉरिटी से परमिशन लेकर ही अस्थायी कंस्ट्रक्शन कराए थे। बताने की श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर दोबारा पौधा लगाने को लेकर ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आया और अतिक्रमण हटाने को लेकर अथॉरिटी ने दो दिन पहले 48 घंटे में अल्टीमेटम दिया था। वहीं 48 घंटे की मियाद पूरे होते ही अथॉरिटी बुलडोजर लेकर पहुंच गया और अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि अब कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। नोएडा से ताहिर सैफी की रिपोर्ट।